नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में नक्सलियों के खात्मे को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक हो रही है। बैठक में नक्सल प्रभावित मुख्य सचिव और साथ ही आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और आला अफसर मौजूद है। बैठक में एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मौजूद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो ये बैठक कितनी खास है, इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि हाल ही में एक बड़ा प्रहार लाल आतंक पर हुआ, 32 नक्सली ढेर हुए। इस पर तमाम जितने भी प्रतिक्रियाएं हैं, जब उन्हें सुनी गई तो काफी खुश महसूस किया जा रहा था। जवानों की मेहनत, जवानों की तारीफ हो रही थी। एक बड़ा प्रहार नक्सलवाद पर हाल ही में किया गया और इसको जड़ से खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और स्पेशली उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो रही है जो इलाके नक्सल प्रभावित हैं। अशरफ काजमी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री, सचिव, आला ऑफिसर सब मौजूद हैं इस मीटिंग में। क्या उद्देश्य है अशरफ इस मीटिंग का? अंशिका, देखिए मीटिंग शुरू हो गई है और अब इस मीटिंग में राज्यवार अपनी मुख्यमंत्री बात रख रहे हैं कि हम नक्सल के समूल खात्मे के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के में जो मुठभेड़ हुई थी उसकी मुख्यमंत्री ने पूरी विस्तार से यहाँ पे जानकारी दी और कैसे विकास के कार्य बस्तर में जो किए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है, जिसमें सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, स्कूल है। तो ये जो आधारभूत ढांचा है इसको कैसे मजबूत किया जा रहा है और कैसे नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत साफ किया पहले जब गृह मंत्री आए थे रायपुर, तब उन्होंने अपना बता दिया था कि 2026 तक हम इसको खत्म कर देंगे। अब तो पूरी तरह से उन्होंने टाइम्स लिमिट जो डेडलाइन है वो तय कर दी कि मार्च 2026 तक इसका खात्मा पूरे देश से कर दिया जाएगा। तो उसी कड़ी में यहाँ पे चर्चा की जा रही कि जो कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं वो कितने प्रभावी हैं और हाल की जो 31 नक्सलियों को ढेर करने वाली घटना है उसकी पूरी जानकारी दी कि कैसे नक्सलियों को एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। अलग अलग सुरक्षा बलों ने मिल के काम किया और फिर उसको ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें एक बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए तो उसकी जानकारी दी जा रही। साथ ही जो पुनर्वास की नीति है उसके जरिए कैसे नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए उस पर चर्चा की जा रही है। तो तमाम पहलू हैं उस पर बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री मोहन यादव वो बैठक में मौजूद हैं, तो वो भी अपनी बात रखेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के, क्यों मध्य प्रदेश ज़्यादा नक्सली से प्रभावित नहीं है, बालाघाट का इलाका है वो ही थोड़ा बहुत उससे प्रभावित है, तो उसके बारे में यहाँ कैसे सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं, नक्सलियों का मूवमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में ना हो, उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कैसे एक सीमित किया जाए, तो वो चर्चा की जा रही है। और विकास कैसे जो ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं वहाँ पहुँचाया जाए, मोहन यादव भी उस पर बात कर रहे हैं। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं दूसरे राज्यों के, चाहे वो झारखंड के उप मुख्यमंत्री हों, बिहार के हों या फिर महाराष्ट्र के, बिल्कुल। और अशरफ, हाल ही में छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर इतना बड़ा प्रहार किया गया, इतने नक्सली ढेर हुए जिनमें कि मोस्ट वांटेड नक्सली भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिस रोड मैप पर छत्तीसगढ़ काम कर रहा है या जिस रणनीति को फॉलो कर रहा है छत्तीसगढ़, क्या कहा जा सकता है बाकी भी राज्यों को कि इस तरह से काम किया जा सकता है, फोर्सेस भी बढ़ाने की क्या कोई लग रहा है कि उम्मीद है?
बिल्कुल अंशिका, देखिए जैसा अभी आपसे कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के सरकार की, और जिस तरह से उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, आपस में कोऑर्डिनेशन रहा तमाम फोर्सेस में, और एक बड़ी और सफलता मिली नक्सलियों को के खात्मे की, तो ये एक यहाँ पे बताया जा रहा है, यही मुख्यमंत्री बता रहे हैं, और इसी की उम्मीद करते हैं कि दूसरे राज्य भी इस तरह के मॉडल को अपनाए, क्योंकि केंद्र की नक्सल को लेकर बहुत साफ नीति है कि उनका पुनर्वास किया जाए, या तो वो मुख्य धारा में जुड़े, नहीं तो फिर उनका खात्मा किया जाए, क्योंकि खात्मे के लिए गृह मंत्री ने डेडलाइन तय कर दी कि मार्च 2026 तक देश से नक्सल को खत्म करना है, ये तय हो चुका है। अब इसी दिशा में काम किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है उसको दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं। जी बिल्कुल अशरफ, आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो काफ़ी प्रभावित करते हैं नक्सलियों को, जिसकी वजह से या तो वो खुद ही सरेंडर कर देते हैं, या ऐसे मॉडल्स जिस पर जवान काम करते हैं और वो जब सर्चिंग पर निकलते हैं तो नतीजा इतने नक्सली ढेर, और यही सफलता है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, इस तरह आगे बढ़ा जा रहा है। अशरफ बहुत शुक्रिया जानकारी साझा कर